आपको जाना है साथ जहीर। अरे के स्टैंड के पास कुछ रखवा देना, बस उतना ही पार्ट, थोड़ा ही पार्ट देते बल्डी चलो ओके। सबसे पहले डीजी जी कॉन्ग्रेचुलेशन राम रतन के लिए। थैंक यू। हमने देखा कि आज का जो सीक्वेंस हमने देखा, कुछ एक खुशखबरी मिली है आप लोगों को जो कि बहुत ही एक्साइटेड है आप उस खुशखबरी को लेकर। आप जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है वो जी। बेसिकली ये सीन ऐसा है कि हम काफ़ी दिनों से एक ट्रेजेडी से गुजर रहे होते हैं और एक गुड न्यूज़ की वेट करते हैं ताकि चीज़ें जो है वो सही हो जाए। तो हाँ, आज का जो सीन है वो वही था। आखिर में हमको वो गुड न्यूज़ मिलती है और वो एक रे ऑफ होप आता है कि हाँ, अभी हमारी ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पे चली जाएगी और एवरीथिंग विल बी फाइन। सो या टुडे सीन वाज अबाउट दैट। और ओवरऑल फिल्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके पहले भी आपने हमें कहा था कि मैं राम रतन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो ओवरऑल कैसा रहा? आज एक्चुअली मेरा तीसरा दिन है शूट का, तो एस अभी तक जितना भी शूट किया है अच्छा है, मज़ा आ रहा है कैमरे के सामने और
देखते हैं अभी आगे कैसे क्या होता है, बिकॉज इट्स जस्ट माई थर्ड डे, तो आई के नॉट रियली से, बट आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर एनी वर्क आई टेक अप. मतलब ऐसे नहीं कि खाली ये है या खाली वो है. अगर काम एक्साइटिंग नहीं होगा तो प्रॉब्ली मैं वो काम लूँगी भी नहीं मेरे हाथ में. सो दैट्स हाउ आई एम. मुकेश ठाकुर जी से भी हमने बात की, महेश ठाकुर, उनसे बात की, वो बहुत ही एक्साइटेड क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने आपके साथ सलमान खान के साथ में भी काम किया था, अब इस फिल्म में भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आपके साथ काम करके ऐसा फील होता है कि आप जो है लंबी रेस का घोड़ा. ओह माय गॉड, सो आई वुड रियली से अ बिग थैंक यू टू महेश जी फॉर सेइंग दैट आई एम द डार्क हॉर्स. बट हाँ, वो महेश जी एक पुराना कनेक्शन है. हमने जय हो में साथ में काम किया था, और जय हो में अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी महेश जी के साथ. ये फिल्म के अंदर हाँ, मेरी बहुत सारी इंटरेक्शन हो रही है, मेरे बहुत सीन्स हैं उनके साथ. सो या इट्स अ गुड थिंग टू वर्क विद एस एक्टर्स लाइक महेश जी एंड सुधा जी, बिकॉज दे हैव बिन इन द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और फिल्म की शूटिंग, मतलब फिल्म कब तक आएगी फ्लोर पे, या कब तक अनाउंसमेंट होगा इस फिल्म का कुछ? ये डेफिनेटली 2017 में रिलीज़ होगी, पर एक्चुअल डेट या एक्चुअल मंथ में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है. वी आर जस्ट इन द फिल्मिंग प्रोसेस राइट नाउ, और जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि इतनी कंप्लीशन हो गई है या अभी खाली इतना बाकी है, सो से अगर हमारी नेक्स्ट मंथ तक फिल्म ख़त्म होती है देन द पोस्ट प्रोडक्शन एंड the rest of the thing. So maybe by March, April, I guess, release होनी चाहिए. जी बिल्कुल. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेस्टिवल भी चल रहा है अब, दशहरा, दिवाली, जी तो जी. वो किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से मैं हर फेस्टिवल में काम करती आई हूँ, और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि अगले काफ़ी सालों तक मैं सारे फेस्टिवल्स में काम करती रहूँ. फैमिली टाइम है, पर ज़रूरी नहीं है कि खाली फेस्टिवल्स के लिए फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए. हमारे पास बहुत सारे दिन होते हैं फैमिली को टाइम देने के लिए, एंड आई एम लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ टू बी वर्किंग फॉर ऑल, मोस्टली ऑल द फेस्टिवल्स, एंड दैट इज़ वॉट आई स्ट्राइव फॉर, एंड दैट इज़ वॉट आई रियली विश फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बोर तो बहुत हुआ, लेकिन आज संडे होने के बाद सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन रामरतन के लिए. थैंक यू. सुजान सिंह, आज का क्या कुछ सीक्वेंस चल रहा है, आज का कुछ शूट हो रहा है? आज का ऐसा है कि एक गोली दादा कैरेक्टर है जो राजपाल यादव प्ले कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो बेसिकली घूम रहा है राम को गोली मारने के लिए. तो वो मतलब घूम रहा है और हम इधर परेशान हैं कि वो कभी भी आकर पहुंच सकता है और हमारे राम को वो गोली मार सकता है. तो उसी का सीक्वेंस चल रहा है, उसी पे डिस्कशन हो रही है. तो दैट्स वाज द सीक्वेंस. जी जी जी. तो डीजी भी हैं और आप भी, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का, जितना भी फिल्म का? डीजी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ फिल्म जय हो में सलमान भाई के साथ, सो वी वर ऑल प्लेइंग द सेम फैमिली. तो वो ट्यूनिंग तो है ही है, यू नो. डीजी इज अ वेरी स्वीट हार्ड वर्किंग गर्ल एंड उसका करियर बहुत आगे निकलेगा, यू नो. आफ्टर यू मस्ट हैव सीन हर इन जय हो, पसंद भी किया है लोगों ने. तो इस फिल्म में वो कुछ अलग ही प्ले कर रही है, थोड़ा सा कॉमेडी पंचेस भी है, और उनका जो रोल है बहुत ही मज़ेदार है, इट्स गॉट लॉट्स ऑफ मसाला इन इट. तो वो मज़ा आएगा उसको देखने में. जी जी. क्योंकि आपने कहा कि ये इस फिल्म में कॉमेडी भी है, ओवरऑल अब क्या क्या देखने को मिला, थ्रिलर भी होगा क्या इस फिल्म में? देखिए, जैसे फिल्म बनती है ऑडियंस के लिए, बनाते ऑडियंस के लिए. सबसे पहले ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि जिस तरह का स्क्रिप्ट होना चाहिए. तो इस फिल्म में वो सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को पसंद आएगी, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू लव द फिल्म. सकरिया जी, अपने फिल्म के निर्देशक ने तो गुजराती में बहुत सारी फिल्में दी हैं, ये उनकी पहली हिंदी फिल्म. हाँ. तो आप बिकॉज वो गुजराती एटमोसफियर से ही निकल कर आए हैं, अब हिंदी में एक बड़ी बजट में फिल्म बना रहे हैं, कैसा लगता है आपको उनका एक्सपीरियंस या उनका ट्रीटमेंट एज अ डायरेक्टर? देखिए, डायरेक्टर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो, ओके, ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ डायरेक्टर.
तो वो चाहे गुजराती में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी हॉलीवुड में हो, एक बार डायरेक्टर नोज हिज क्राफ्ट, वो भाषा कोई भी हो, पब्लिक विल लव इट एंड ही इज अ वेरी 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 टैलेंटेड डायरेक्टर. फॉर अ कॉमिक एंड ऑफ दिस शॉर्ट इंटरव्यू, आज आप बता रहे हैं राम को मारने के लिए राजपाल ढूंढ रहा है गोली, और कल रावण का वध होने वाला है, ये क्या मजा? Well, that's a good joke. रावण का वध होने वाला है, वो तो दशहरा का दिन में है, अभी तक है, दो दिन और है उसके लिए. आज के दिन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस सीन एंड आफ्टर टू डेज इज़ गोइंग टू बी दशहरा. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड टू राम रतन. और सर, ये कब तक आ जाएगी सिनेमा घर या फिल्म रिलीज का? रिलीज अभी तो वी जस्ट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, तो बनते बनते तो टाइम तो लगता ही है. सो वी आर इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इट, सो आई एम होपिंग सून, जितना जल्दी हो सके. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके इस फिल्म राम रतन के लिए. ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, हम आपसे जानना चाहेंगे, और आपका कुछ किरदार होगा इस फिल्म में? नहीं, एक्चुअली किरदार बहुत ही स्वीट किरदार है, अच्छी भाभी हूँ, बहुत पॉजिटिव रोल है. मतलब जो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि जब भी सुधा चंद्रन स्क्रीन पर आती है तो या तो घर तोड़ती है या किसी को गोली मारती है, वो बिल्कुल नहीं है. बहुत ही एक अच्छी बीवी हूँ, अच्छी भाभी हूँ, महेश ठाकुर की बीवी का किरदार मैं निभा रही हूँ. सो फॉर अ चेंज आई एम रियली एंजॉइंग इट, बिकॉज ना ही मुझे अपनी आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ना ही अपने हाथों का गोलियाँ चलाने के लिए. बहुत ही क्यूट कैरेक्टर. तो ये जो क्यूट कैरेक्टर, ये जो डिफरेंट कैरेक्टर, इसको कितना एंजॉय कर रही? बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली. आई एम वेरी फन लविंग पर्सन, वेरी गुड टू पीपल. सो जब भी मैं नेगेटिव करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट में डालती हूँ, बट दिस इज़ मी, आई मी माई सेल्फ. तो जब भी आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो स्क्रीन पर तो बड़ा मज़ा आता है. जी, क्योंकि आपने बताया कि आप महेश ठाकुर जी की वाइफ का किरदार करें और इस फिल्म में जी देसी शादी जी, ओवरऑल इन सभी के साथ का कैसा? इट्स अ प्लेजर बिकॉज महेश जी के साथ कई साल पहले मैंने तूतू मैमे का एक एपिसोड मैंने किया था, उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई. दोबारा हम मिल रहे तो इस फिल्म में, एंड ही इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, ही इज़ बीन अ वंडरफुल एक्टर, इज़ अ वंडरफुल कोस्टार, वंडरफुल ह्यूमन बींग. डेजी से ऑन एंड ऑफ मेरी मुलाकात होती रहती है, सो इट्स फन बिकॉज अगेन डेजी के साथ मैं काम कर रही हूँ. एंड टू टॉप इट ऑल, गोविंद भाई जो हमारे डायरेक्टर है, ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स इन गुजरात, एंड आप प्रोड्यूसर राजू भाई, मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से इस मतलब फिल्म प्रोडक्शन में उतरे हैं, सो इट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज वी रियली नीड गुड प्रोड्यूसर्स एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स हु इज कमिंग टू द इंडस्ट्री. सो आर यू एंजॉयिंग विद? आई तो फ्रीक आउट वेयर एवर आई एम. मतलब मैं कभी टेंशन लेती नहीं हूँ, जिस सेट पे जाती हूँ वो मतलब वही की हो जाती हूँ, वही की बन जाती हूँ, एंड आई रियली एंजॉय व्हाट आई डू. जी जी जी, आई होप कि आप आगे भी एंजॉय करेंगे. लेकिन अगर मैं नागिन की अगर मैं बात ना करूँ तो आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह से लोगों ने अप्रिसिएट किया है, जिस तरह से लोगों ने आप मतलब सभी के किरदार को, जिस तरह से उस सीरियल को. जी जी, अब क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? और आई थिंक और भी आगे भी और आने वाला है. शुरू हुई गया, यस्टरडे वी स्टार्टेड सीजन 2. तो यस, नागिन वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीरियल पहले सीजन में. मतलब ऐसा हंगामा था, मतलब जहाँ पर भी हम जाते थे तो नागिन 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 की बात चलती थी. एंड ख़ासतौर से जिस मतलब जो जिस किरदार के बारे में मैं बड़ा इन्जॉयड प्लेइंग वॉज द कैरेक्टर ऑफ यामिनी, जिसमें मतलब पहले 30 एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि बेचारी औरत कुछ करेगी ही नहीं, और जैसे वो टर्न हुआ, आई थिंक वी गॉट द हाइएस्ट TRP विच वॉज अबाउट 6.1. जिस एपिसोड में मेरा रेवोल्यूशन था कि यू नो द फिफ्थ कल्प्रिट इज यामिनी, तो एंड बहुत इंजॉय किया बिकॉज इतने शेड्स थे. मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर, बिकॉज पहले 30 एपिसोड्स में ये एहसास दिलाना ऑडियंस को, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि अरे यार, सुधा चंद्रन है, बालाजी टेलीफिल्म है, एकता कपूर है, हो ना हो ये औरत होगी. बट 30 एपिसोड्स में वी टुक दैट एफर्ट टू टेल पीपल कि नहीं, ये कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, ये इससे इस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं है. तो जब तक लोग कन्विंस हो गए थे, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट. सो इट वॉज हार्ड, और जैसे रेवोल्यूशन के बाद, मतलब आई थिंक छिछोरापन जितना मैंने किया है उस सीरियल में किसी ने नहीं किया होगा. मतलब अपने पति को मारना आगे पीछे, सो इट वॉज फन बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ शेड्स प्लेइंग इट. एंड जो आप नहीं हो, जब आप उस किरदार को निभाते हो तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, मतलब एक गाइडेंस है. एंड थैंकफुली टू संतराम वर्मा आ डायरेक्टर, जिसके साथ मैंने कहीं किसी रोज़ भी किया था, सो वो एक बहुत ही अच्छा रैपो रहा.
ईजी अंडरस्टैंडिंग. एंड देन मनीष खन्ना प्लेड माई हस्बैंड, जो कई किसी रोज में मेरे भाई का रोल यू नो ही हैड प्लेड, सो इट वॉज कम्फर्टेबल. एंड मोनी अर्जुन, दो टैलेंटेड एक्टर्स, अदा खान. सो ओवरऑल जब सेटअप बालाजी के अंदर जाते तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पहुंची हूँ. जी जी जी, क्योंकि आपने कहा कि यस्टरडे से आप जी जी नागिन टू शुरुआत हुई है, तो आगे इसके आगे हम क्या वही आपका आगे यही देखेंगे जो हम जो आप और वर्स्ट ही होगा आगे, मतलब कम नहीं होगा और मतलब वर्स्ट और डरावना होगा. बिकॉज इस कैरेक्टर को मतलब अब उस हाई पॉइंट तक लेकर गए हैं, अब नए रेवोल्यूशंस होंगे. अब शिवन्या को कैसे हम सताएंगे, कि बेटी को हम कैसे टॉर्चर करेंगे और कैसे वो नागमणि हम हासिल करेंगे, बात यही है. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. आज के लिए कुछ छोड़ दिया हो सब आज ही पूछ ले उसको. सर ओके या वन मोर वन मोर वन मोर कैसे कर ले सर ज्यादा दूध पाने के लिए हमने नोटिस किया सीक्वेंस, हमने देखा कि कोई एक खुशखबरी आती है जो आप लोग कंफर्म करने के लिए कहीं जाते हैं. आपसे जानना चाहेंगे आपकी जुबानी कि वो ऐसी कौन सी खुशखबरी है और क्या कुछ है. ये एक आज जो सीन फिल्माया जा रहा है उसमें गोली दादा जो सतीश कौशिक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो अभी तक कोमा में थे, तो उन्हें होश नहीं आ रहा था. तो अखबार के थ्रू में पता चलता है कि वो आदमी जो है होश में आ गया है और जो है वो फरार हो गया है. तो एटलीस्ट अब ये है कि वो कोमा से बाहर है, तो अब कहीं ना कहीं तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा. जी जी जी. तो इस तरह का आज सीन है. आई होप कि वो मिलेगा. आज के पूरे दिन में मैंने जो जितना भी नोटिस किया डिफरेंट डिफरेंट सेट्स आपको देखें, एक तावल वाला शॉट देखने को मिला और ये तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस तावल वाला सीधा वो तावल वाला सावरिया लुक जो था वो फॉलो कर रहे हैं. मतलब आप हम ऐसा माने कि में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, वो सीन की रिक्वायरमेंट थी कि वो राजपाल उसका पीछा कर रहा होता है तो वो भागते भागते जैसे भी है वो अपने घर पहुंचता है और घर आने के बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, तो जैसी आवाज़ आती है तो वो जिस हालत में होता है वो सामने आ जाता है. तो इस तरह का सीन था तो उसकी रिक्वायरमेंट वैसी थी. तो वो तो अलग अलग सीन्स होते हैं फिल्म में, तो वो तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टर. अभी इस फिल्म में तो नहीं देखोगे, हाँ अगले में अगले अगले में देख लेंगे. समझ गया. ओके ओवरऑल क्योंकि इस फिल्म में सुधा जी हैं, तेजी शाह हैं, सभी इस फिल्म में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है सभी के साथ काम करने का. बहुत अच्छा रहा. सब मंझे हुए कलाकार हैं, सबको अपना अपना काम आता है और सबसे अच्छी चीज़ है कि सब खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं. तो जो एक माहौल बनता है एक सेट पे जो बहुत ही ज़रूरी होता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो मज़ा उसी सेट पे आता है. जी, तो आने वाले दिनों में मतलब ये फिल्म कब तक शूट कंप्लीट होगी कुछ. ये फिल्म अक्टूबर और नवंबर मिड तक फिनिश हो जाएगी. okay. और रिलीजिंग का जो प्लान चल रहा है वो मार्च अप्रैल के आसपास. इसके अलावा कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करें. मेरी अभी वोडका डायरीज एक फिल्म है जिसका साथ शूट चल रहा है, उसमें के हैं, रायमा सेन है, मदिरा बेदी, शारिब हाशमी, इस तरह के कलाकार हैं, कुशल श्रीवास्तव उसके डायरेक्टर हैं. वो एक फिल्म है मेरी 21 अक्टूबर को गांधीगिरी रिलीज़ है, जिसमें संजय मिश्रा, ओमपुरी, मुकेश तिवारी, अनुपम शाम, इस तरह के एक्टर्स हैं. उसके बाद नवंबर में मेरी फिल्म है एशली जो रिलीज़ है. देन दिसंबर में मेरी फ्रेंच फिल्म है हाईलैंड, वो रिलीज़ पे है. और जनवरी में तेरी तलाश है,
जो रिलीज तो ऑलमोस्ट हर मंथ फिल्म रिलीज पे। क्योंकि आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपने कई सारे फिल्मों का नाम बताया, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, अगर आप ये सब एक्टर्स का अपना अपनी एक सोच होती है, हर एक्टर अपनी एक एक्टिंग कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, जिससे कि आप हर आदमी की एक अपनी जर्नी होती है एक्टिंग को लेके, तो वो अपने हिसाब से कैरेक्टर बनाता है, अपने हिसाब से एक्टिंग करता है। अब जैसे ओम जी के साथ मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ, तो ओम जी का एक अपना स्टाइल ऑफ एक्टिंग है। राजपाल के साथ मैं 2-3 फिल्में कर चुका हूँ, उसका एक अलग अपना स्टाइल ऑफ एक्टिंग है। तो सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है, अपने तरीका है, तो सबकी अपनी अपनी स्किल्स के डिपेंडिंग ऑन एक्टर, उसने कैसे किरदार को समझाया, कैसे कोई स्पॉन्टेनियस होता है, कोई सेम लाइंस को ही बोलता है, तो सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। तो किसी के साथ ऐसी कोई इच्छा है कि हाँ पर्टिकुलर इस वो एक्टर है जिसके साथ काम करने के आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, या फीमेल एक्टर या मेल कि हाँ इनके साथ अगर काम करने का मौका मिले तो मैं कुछ अपना मतलब बहुत बेस्ट दूंगा, या आप एक्साइटेड हैं उनके साथ काम करने का? ये मैं सारे जो अच्छे एक्टर्स हैं जैसे इरफान खान हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। उनका हो सकता है कि मेरी भी उस तरह की सोच हो, क्योंकि आप अपनी सोच के हिसाब से ही उसी तरह के कलाकार भी आपको पसंद आते हैं। तो हाँ, इरफान खान में से एक हैं, उसके बाद मनोज वाजपेयी हैं उस तरह के जो इंटेंस प्ले करते हैं। और अगर हम कॉमेडी की बात करें तो अक्षय कुमार है उस तरह से। तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्क्रिप्ट कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। तो एक्ट्रेस मैं सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। और एक नाम यार, अब किरदार के हिसाब से नाम हो सकता है। अगर मेरे ख्याल से आलिया भट्ट, उसके साथ काम करना चाहता हूँ मैं। बाकी अभी ऑलरेडी चल ही रही हैं कुछ कुछ फिल्में जो आपको बताई हैं। ऐसा कोई ड्रीम रोल हो आपका जो आप करना चाहें, अभी तक आपने जो नहीं किया? हाँ, मैं एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ, और उसकी प्रिपरेशन भी मेरी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, तो देखते हैं कैसे आगे चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके गोविंद जी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको आपकी फिल्म राम। थैंक यू। किस तरह की ये फिल्म होगी सर, क्योंकि फिल्म का नाम है राम रतन? आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म किस तरह की होगी, क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस फिल्म में? इसमें राम और रतन, एक मेरे हीरो और हीरोइन का नाम है, दोनों अच्छी फैमिली है। रतन जो है अच्छे घराने से ससुराल आई है, जब इसको पता चलता है कि मेरी मिस्टर को कुछ कमियां है, उसको कैसे सुधारा जाए, वो प्ले कर रही है जी। और आज का जो सीक्वेंस की बात अगर हम करें, तो हमने देखा कि कोई ऐसी खुशखबरी होती है जो लोग लेकर आते हैं, और तो क्या था वो आज के सीक्वेंस के बाद? आज के सीक्वेंस में कि भाई राम जो है कुछ परेशान होकर कुछ अपने किसी गुंडे को सुपारी देती, भाई आओ मुझे मारो, देने के बाद पछता हो रहा है कि वो सब लोग टेंस में हैं। एक राम का दोस्त है सरदार हैप्पी सिंह करके, वो अब खुश कर भी लाता है कि भाई जो गोली दादा है हॉस्पिटल से फरार होके निकल गया, तो सब खुश हो जाए कि चलो अब गोली दादा मिलेंगे तो ये आसान हो जाएगा। कभी मरने की मतलब दिया जो सुपारी दिया है किलर गोली दादा को, कहीं कैसे भी करके उसको रोका जाए, वो खुशखबरी का सीन मैं आज कर रहा हूँ। ओवरऑल जितने भी स्टार कास्ट हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? देसी शाह है, महेश ठाकुर हैं, और भी लोग हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुड, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी फैमिली है, डेजी अच्छे से रिस्पॉन्स से काम कर रही है, महेश जी गुड एक्टर, सुधा जी तो वैसे गुजरात में कर चुकी है, हिंदी कर चुकी है, सारी भाषाओं में कर चुकी है, ऋषि है, सब मेरे जितने टेक्नीशियन एक्ट्रेस है, पूरा एक फैमिली की तरह लगता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी। एज एन डायरेक्टर कुछ प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ शिप माना जाता है, तो प्रेशर फील करते हैं आप कि नहीं? मैंने दिन पूरा किस तरह से शूट होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, एज एन डायरेक्टर?
या मैं अगले दिन एक फिक्स कर लेता हूँ, मुझे ये काम कल करना है, डिले होता है, फास्ट होता है, लेकिन मैं टेंशन में रहता ही नहीं हूँ, बड़े आराम से कूल होकर ठंडे दिमाग से काम करता हूँ। तो कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और कब तक? नवंबर एंड तक मेरी शूट ख़त्म हो जाएगी, जनवरी फरवरी एंड में रिलीज होगी। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को, क्योंकि ये आपकी बॉलीवुड की फिल्म है? बॉलीवुड में तो अभी कहा नहीं जाता है, कभी मैं भी बना रहा हूँ, जब तक पर्दे पे नहीं लगेगी, सिनेमाघरों में नहीं जाएगी, जब ऑडियंस नहीं आएगी, उसकी फिल्म की विधाता जन्म कुंडली तो वही लोग लिखते हैं। हम एक ये सोच कर बनाते हैं कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जी, व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे अपने इस फिल्म के जरिए, राम रतन के जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि आज तक सब लोगों ने बहुत सारी कॉमेडी देखी, फैमिली ड्रामा देखी है, ट्रेजेडी देखी है, मर्डर मिस्ट्री देखी, लेकिन मैं कुछ एक राम और रतन के दोनों की, दो फैमिली की ऐसी कहानी लेकर मैं आया हूँ सिनेमाघरों तक। तो मैं चाहता हूँ कि लोग को अपील भी करता हूँ कि फिल्म ज़रूर देखे, वो सब फिल्मों से अलग है, हर डायरेक्टर अलग ही बनाते, लेकिन मेरी सोच अलग है, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। आपको इस फिल्म के लिए, राम रतन के लिए क्या फील करते हैं आप, क्योंकि क्या फील करते हैं? मैं तो बहुत प्राउड हूँ, मतलब ये पिक्चर के लिए मुझे बहुत लगाव है, मुझे एक पिक्चर कैसे मतलब एकदम फैंटास्टिक बनाने का है, अच्छा बनाने का है। जी 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 फर्स्ट जी, एकदम फैंटास्टिक अच्छा हमारा प्रयास, मतलब बेहतर से बेहतर बनाने का है। क्योंकि इंडस्ट्री में नए प्रोड्यूसर हैं आप, नए प्रोड्यूसर के नाम, तो कुछ फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं आप, या कुछ नर्वस हैं आप, क्योंकि हमारे नहीं, नहीं, प्रोड्यूसर के ऊपर सारा दाम होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारा जो पूरा टीम है, हमारा आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, सब जो है ना, वो साथ सहकार सपोर्ट सबका मिल रहा है, तो हमको ऐसा कोई मतलब फील नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त आराम से और बढ़िया बना रहे। ओके, मस्त आराम से। ओके, तो क्योंकि फिल्म ये नवंबर तक आई थिंक शूट होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म कब तक शूट होगी और ये कब तक लोगों के बीच में आएगी? हम तो मतलब पूरे लगे हैं पिक्चर में, लास्ट दिसंबर तक तो हम तो पूरा बना देंगे और फरवरी में रिलीज का सोच रहे हैं। जी, तो क्योंकि प्रोड्यूसर कभी कभी लॉस में भी जाते हैं, ये आई थिंक आपको ये बात तो मालूम ही होगी। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, फिल्मों से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही कम उम्मीद होती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? बहुत उम्मीद है, होना भी चाहिए, हम काम ऐसा कर रहे हैं। और लॉस के लिए भी अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो रेडी हैं? ऐसा मतलब नौबत आएगा ही नहीं। अच्छा जी। और सारे स्टार कास्ट जो ही आपकी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसके पे आप क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, राम रतन? राम रतन पिक्चर को लेकर हम जो हमारे पास आर्टिस्ट है सब, डेजी शाह है, ऋषि भूतानी है, महेश ठाकुर है, सुधा चंद्रन है, राजपाल जी है और सतीश कौशिक जी है, इतना सब स्टार कास्ट इतना अच्छा है और हम इतना मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा वो भी मतलब प्रयत्न उनका भी अच्छा है, तो पिक्चर हम लोग इतना अच्छा बनाने मतलब बेहतर बनाने की सोच रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।